हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर योगेश मडगुलवार। मैंने रसशास्त्र और भेषज कल्पना में MD किया है। अभी तक मैंने अलग अलग पोटली कल्पना, कुपीपक्व रसायन, पर्पटी कल्पना, भस्म, तैल कल्पना, घृत कल्पना, संधान कल्पना, अवलेह कल्पना, ऐसा सब चीज़ें बनाई है। इसके अलावा मैंने अलग अलग आयुर्वेदिक फार्मा इंडस्ट्रीज़ को विजिट किया है। वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कैसा होता है, उसके अंतर्गत गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कैसे आते हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कैसे आते हैं, इसकी जानकारी भी मैंने फार्मा इंडस्ट्रीज़ के विजिट के दौरान ली है। अब हम आयुर्वेद में रसशास्त्र और भेषज कल्पना की लेक्चर सीरीज चालू करने वाले हैं। रसशास्त्र अभी तक हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, लेकिन इस लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत हम रसशास्त्र को क्लिनिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ने वाले हैं। रसशास्त्र का जो कुछ सिलेबस कहा है, परिभाषा प्रकरण, मूषा प्रकरण, कोष्ठी, यंत्र, पुट, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु प्रकरण, रत्न, उपरत्न, सुधा वर्ग, विषवर्ग, उपविषवर्ग और जो रूटीन प्रैक्टिस में यूज होने वाले रसकल्प है, इसकी जानकारी हम इस लेक्चर सीरीज में लेने वाले हैं। कभी भी आप प्रैक्टिशनर देखते हैं, एक ही पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन अलग अलग कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अंतर्गत आयुर्वेद में क्रियाकाल वर्णन किया है, जैसे कि संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्ति और भेद, ये छह अवस्था आयुर्वेद में व्याधि उत्पन्न होते समय बताई है। संचय अवस्था में, प्रकोप अवस्था में कौन सी मेडिसिन, रसकल्प, जैसे कि कुपीपक्व कब यूज़ करना है, पर्पटी कब यूज़ करना है, पोटली कब यूज़ करना है और भस्म कब यूज़ करना है, इसकी जानकारी हम इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आपको देने वाले हैं। इसके अलावा रसशास्त्र को जो कुछ रसद्रव्य कहे गए उसका शोधन और मारण पर्टिकुलर लिक्विड मीडिया में बता है। तो पर्टिकुलर लिक्विड मीडिया में क्यों करते हैं, पर्टिकुलर लिक्विड मीडिया यूज करने से उस ड्रग में केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी इस लेक्चर सीरीज में लेने वाले हैं। उसके अलावा भेषज कल्पना के अंतर्गत हम जो पंचभौतिक सिद्धांत बताए गए हैं, भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत पंचविध कषाय कल्पना, स्नेह कल्पना, संधान कल्पना, पथ्य कल्पना, लेप और नेत्र कल्पना, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं। भेषज कल्पना और रसशास्त्र को हम फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से इस लेक्चर सीरीज में सीखने वाले हैं। उसके अलावा रसशास्त्र और भेषज कल्पना में कल्प बनाते समय बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जिसे याद करना हमें डिफिकल्ट होता है। इसके लिए हमने निमोनिक्स बनाए हैं, जिस निमोनिक का यूज करके आप वो कल्प याद रख सकते हैं। ये सारे लेक्चर्स आपको मोरे पब्लिकेशन ऐप पे देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको मोरे पब्लिकेशन ऐप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको इंक्वायरी सेक्शन में जाके लेक्चर सीरीज की इंक्वायरी आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डेमो लेक्चर सीरीज की जो लिंक है इस वीडियो में हमने प्रोवाइड की है, वहाँ पे आप हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। ये सारी सर्विसेज हम आपको कम चार्जेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे लेक्चर आपको मोरे पब्लिकेशन ऐप पे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आपके रसशास्त्र और भेषज कल्पना की जर्नी मोरे पब्लिकेशन आपके साथ। थैंक यू।